एक मर्तबा कसाई सर्द खाने में काम करने वाला सर्द खाने में किसी काम से गया और सर्द खाने का दरवाज़ा उसके पीछे खुद ब खुद बंद हो गया। मसला ये था कि दरवाज़ा सिर्फ बाहर से खुल सकता था। अनजाने में उस शख्स ने दरवाजे के आगे वो भारी लकड़ी नहीं रखी जो दरवाजे को बंद होने से रोकती थी। वो बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन छुट्टी का वक़्त था, तमाम मजदूर अपने काम समेटने में मसरूफ थे और किसी ने उसकी चीखों पुकार नहीं सुनी। जब वो सर्दी से ठठरने वाला था तो अचानक कारखाने का चौकीदार दरवाज़ा खोलकर सर्द खाने के अंदर आया और इसे बाहर निकाला। जब इसे होश आया तो इसने चौकीदार से पूछा, आपको सर्द खाने में झांकने का ख्याल कैसे आया? चौकीदार ने जवाब दिया, आप उन चंद गिने चुने लोगों में से हैं जो सुबह कारखाने के दरवाजे पर मुझे सलाम करते हैं और शाम को छुट्टी के वक़्त खुदा हाफिज कहकर घर जाते हैं। बहुत से लोग तो मेरे करीब से ऐसे गुजरते हैं कि जैसे कि मेरा कोई वजूद ही नहीं। आज आप सुबह मेरा हाल अहवाल पूछकर अंदर दाखिल हुए थे लेकिन मैंने आपको खुदा हाफिज कहकर घर जाते नहीं देखा, तो सारे कारखाने में आपको तलाशते हुए आखिरकार सर्द खाने में ढूँढ लिया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आपकी जान बच गई। इसीलिए कहते हैं कि इंसान किसी को अपने से हकीर न जाने, ख़ास तौर पर वो लोग जो आपके साथ आपके ज़माने में ज़िंदगी को बसर करते हैं। इनका दुनियावी मकाम मर्तबा चाहे कुछ भी हो, आपके मोहब्बत और एहतराम के दो लफ्ज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत मस्बत असरात मरतब करते हैं। ज़िंदगी बहुत थोड़ी और मुख्तसर सी है, जितना हो सके लोगों से हुस्न सलूक करना चाहिए ताकि वो हमें एक अच्छे इंसान की हैसियत से याद रखें।